अगर आप जियो कोई भी मोबाइल का जियो का कोई भी मोबाइल हो उसका फुल शॉट नहीं तो हाफ शॉट रिमूव करना चाहते हैं, नहीं तो डेड बूट रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। इस मोबाइल में एक प्रॉब्लम है, ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। मैंने वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मोबाइल को ऑलरेडी खोल के रखा है और मैंने चेक किया था इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको डायरेक्ट इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हम लोग इस मोबाइल से फुल शॉट नहीं तो हाफ शॉट को रिमूव कर पाते हैं। और सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं मोबाइल में क्या कंडीशन है। ओके, तो ये देख सकते हैं मल्टीमीटर को मैंने बाजार मोड में रख दिया। अभी हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हैं ये बीप का साउंड आ रहा है और 29-28 तक रीडिंग लेता है दोनों साइड में। उल्टा करके देखते हैं एक बार, वही है 28 इस साइड में 30 ऐसा ही रीडिंग लेते हैं। और बैटरी का चार्ज इसमें अवेलेबल है, जितना चार्ज है मोबाइल को ऑन कर सकता है, लेकिन मोबाइल ऑन होता ही नहीं है। और इस रीडिंग में जो रीडिंग दिखाया है, इस रीडिंग में कोई भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, वो आप लोगों को भी पता है। तो इसमें देखते हैं 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है, जो कि प्रॉपर है कोई भी जियो मोबाइल को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो जिस भाई को ऑलरेडी फुल शॉट रिमूव करने का तरीका आता है तो अच्छा है, और जिस भाई को नहीं आता है तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वाटर डैमेज है या कुछ और इश्यू है। यहाँ पे तो क्लीन नजर आ रहा है मेरे, मुझे पूरा क्लीन है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इधर भी, हाँ इधर भी क्लीन है पूरा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्ट या लीकेज या कुछ भी यहाँ पे डास्टी वास्टी नहीं आ रहे दिखाई में। तो हम लोग सबसे पहले इसको एक शॉर्ट किलर, जो कि मैंने एक पुराना लैपटॉप के बैटरी से बनाया था, हम लोग इस वीडियो में इस बैटरी का यूज करेंगे। शॉर्ट किलर का यूज करके इस मोबाइल से शॉर्ट को हटा देंगे। ठीक है, और शॉर्ट किलर को कैसे बनाया उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना कैसे शॉर्ट किलर बनाते हैं लैपटॉप के डेड बैटरी से। सबसे पहले ग्राउंड को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ओके, या जोड़ देंगे। और पॉजिटिव के आसपास जितने भी कैपेसिटर डायोड है, यहाँ पे थोड़ा जो पतला पेस्ट होता है ना, ये पेस्ट अप्लाई कर देंगे। ओके, पतला पेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और मुझे जितना आइडिया है यही पे इसका शॉर्ट होगा। तो सबसे पहले यही पे हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन सा पार्ट खराब हुआ है। ओके, तो सिमटी से हम लोग अभी शॉर्ट किलर का पॉजिटिव वायर को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव में टच करेंगे, जस्ट टच। ये देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के राइट साइड में एक डाइट या कैपेसिटर जो भी था वो खराब हो गया, उड़ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं सफेद हो गया। तो हम लोग इसको अभी रिमूव कर देंगे और देखेंगे शॉर्ट हट जाता है या नहीं हट जाता है। ओके, तो आयरन से हम लोग सबसे पहले ये यहाँ पे कोई डाइट था तो ये जल गया है, ये देख सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको रिमूव कर देंगे, ओके, आयरन की मदद से। और उससे पहले शॉर्ट किलर को अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये डायोड था, डायोड को निकल दिया। अच्छी तरह से रिमूव करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो
थोड़ा सा साफ कर देंगे यहाँ पे, और एक बार मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसका शॉर्ट गया या नहीं गया। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइट था वो खराब हुआ था, शॉर्ट हुआ था, उसके कारण मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। और इस टिप्स और ट्यूटोरियल को यूज़ करके आप कोई भी मोबाइल का शॉर्ट आसानी से रिमूव कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं, ये देख सकते हैं मोबाइल का रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पहले ओनली 28 था, इस साइड पे भी नॉर्मल है। तो अभी बैटरी लगा के हम लोग इसको ऑन करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मोबाइल कॉम्प्लीटली ऑन होने वाला है, पावर ऑन तो मैंने कर दिया। अभी जियो मोबाइल थोड़ा सा टाइम लेता है, आप सबको पता ही है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इस प्रोसेस से आप कोई भी मोबाइल का फुल शॉट हाफ शॉट को रिमूव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कैसे कोई भी मोबाइल का शॉर्ट आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई भी मोबाइल को अनलॉक या फॉर्मेट या पैटर्न पासवर्ड FRP जो भी करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप वेबसाइट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप आसानी से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।